नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खास खबरों पर। कोविड 19 से पीड़ित मरीजों को अब उत्तराखंड के गढ़वाल जोन में अब बेड की कमी नहीं होगी। दरअसल मरीजों को बेड की हो रही कमी को देखते हुए ऋषिकेश के IDPL क्षेत्र में DRDO ने एक 500 बेड का स्थायी कोविड अस्पताल तैयार किया है, जिसका लोकार्पण उत्तराखंड के CM तीरथ सिंह रावत ने रिबन काट कर कर दिया है। बता दें, मौके पर CM ने अस्पताल का निरीक्षण कर तमाम व्यवस्थाओं के बारे में प्रशासन से जानकारी भी ली। साथ ही अस्पताल का संचालन एम्स प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। अस्थायी अस्पताल में 400 बेड ऑक्सीजन और अन्य सुविधा युक्त बनाए गए हैं, जबकि 100 बेड एम्स के अंदर ICU के बनाए गए हैं। खास बात यह है कि अस्थायी अस्पताल का नाम राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के नाम पर रखा गया है। यह अस्पताल तैयार होने के बाद जनरल मरीजों को भी अब तमाम अस्पतालों में बेड आसानी से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के ज्वाइंट रूप से हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है। ये 500 बेड का कोविड सेंटर है, जिसमें सारी सुविधाएं हैं। 300 ऑक्सीजन बेड हैं और बाकी से 200 में वेंटिलेटर हैं, ICU बेड हैं और जनरल पेशेंट के लिए भी अलग से व्यवस्था है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके छत्र समय आशीर्वाद से यह आज हमको मिला है। और DRDO के चीफ थाना भाद्रबाद क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर में बीते कुछ दिनों पहले डकैती का आज थाना भाद्रबाद में SSP के द्वारा खुलासा किया गया है। बता दें, डकैती की घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड और 3 अन्य अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फरार चल रहे 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कयास लगाए हुए हैं। साथ ही डकैती की घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड के ऊपर बता दें, पहले भी कई थानों में डकैती चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार, पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक अपराध के निर्देश तथा क्षेत्र अधिकारी सदर द्वारा इस डकैती के मामले को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों के बाद कोरोना वायरस का कहर पहाड़ी क्षेत्रों में भी अब दिखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकार पहाड़ों में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां गांव-गांव में निःशुल्क दवाइयां बांटी जा रही हैं, तो वहीं समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से अन्य जरूरी स्वास्थ्य उपकरण भी ग्रामीणों को दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तरकाशी जनपद के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने न्यू कैंट रोड हाथी बार कला देहरादून स्थित अपने आवास से उत्तरकाशी के लिए वेपराइजर और ऑक्सीमीटर के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी में सहयोग स्वरूप ये सामान ग्रामीणों के लिए उपलब्ध कराया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पूरी सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री का पहाड़ के हर दूरस्थ गाँव को में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को फोकस करना है। उसमें हमें सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। देखिए, हमारे उत्तरकाशी जनपद के मोरी ब्लॉक क्षेत्र है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है, हमारी मदद कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उन लोगों तक राहत सामग्री भेज रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन रिसर्च सोसाइटी, जिसकी अध्यक्षा मेरी बेटी है, उस संस्था के माध्यम से हम आज दूरस्थ क्षेत्र के लिए कंसनट्रेटर, कोरोना किट, ऑक्सीमीटर, फेस शील्ड, सैनिटाइजर, मास्क आदि सारा सामान हम वहाँ भेज रहे हैं, ताकि और साथ ही जो हमारी आशा वर्कर जो आज जान अथली पर लेकर सबसे अगर कोई फ्रंट लाइन में कोई संक्षिप्त खेल रहा है तो हमारी आशा वर्कर है। उनको PPE किट की आवश्यकता है, उनके लिए दवाई की आवश्यकता है, वो गर्मी हो जाते हैं, उनके लिए पानी वाटर बॉटल की आवश्यकता है। तो ये सारा सामान हम यहाँ से आज भेज रहे हैं और लगातार अन्य क्षेत्रों में जहाँ जब ये जानकारी हमें मिलती है, हमारी संस्था के माध्यम से लोगों की मदद करने का हम प्रयास कर रहे हैं।
हरिद्वार जिले के ज्वालापुर विधानसभा के बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को अश्लील वीडियो का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। दरअसल विधायक ने ज्वालापुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि कुछ लोग उन्हें ब्लैकमेल करके 30 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। विधायक की शिकायत पर हरकत में आए पुलिस से एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हुई महिला भी बीजेपी से जुड़ी हुई है और 5 आरोपी विधायक को अश्लील वीडियो भेजकर पैसे की मांग कर रहे थे। हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। फिलहाल ज्वालापुर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कोरोना महामारी के संकट के वक्त एक बार फिर अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित कर दिखाया है। उन्होंने आज कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड की जनता को 20 बेड का सभी सुविधाओं युक्त मिनी मिलिट्री हॉस्पिटल समर्पित किया। सबसे अहम बात यह है कि इस हॉस्पिटल में पूरा इलाज मरीजों का निशुल्क किया जाएगा। कर्नल अजय कोठियाल और उनके सानिध्य में चलने वाले संगठन यूथ फाउंडेशन की टीम ने इस हॉस्पिटल को तैयार करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।